13 साल आयशा पेशावर के इलाके नमक मंडी में डॉक्टर शकील नामी शख्स के घर पर मुलाजमत करती थी। संगदिल शख्स ने बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मासूम बच्चे के जिस्म को गर्म चोरियों से दागा गया और इसके सर के बाल काट दिए। मालिक के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली आयशा का ताल्लुक सवाबी से है। ये मुझे बात बात पर मारता था, इसकी बीवी भी मौजूद होती। मुझे अक्सर कहता कि घर से जो चीज गायब है वो तुमने चोरी की है। मेरी बीवी के पर्स से चीजें चुराती हो और लोगों को दे देती हो। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस ने बच्ची पर तशद्दुद करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हवालात में कड़ा डॉक्टर मासूम बच्ची पर बेजाय तशद्दुद के हवाले से तावीलात पेश करता रहा। वो लड़की चोरी करते हुए भाग रही थी, उसको पकड़े हैं, इसलिए हमने मारा है। पुलिस ने बच्ची को तिबी मुआयने के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल भिजवा दिया। ताहम डॉक्टरों ने बच्ची पर होने वाले तशद्दुद की तफसीलात देने से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर सिगरेट से जलाने के दाग भी मौजूद हैं। वो सिगरेट जलाने से किया गया है। ताहम डॉक्टर का मौकूफ जो है वो 2-3 मिनट बाद तब्दील होते हैं। पहले उन्होंने बता दिया कि ये मैं बच्ची की तरह पालता हूँ और इस पर उन्होंने चोरी किया है। जब चोरी की नहीं है, जैसे मैंने पूछा कि आपसे किस चीज की चोरी हुई है, तो उन्होंने चीनी और शैम्पू वगैरह के। पेशावर में घरेलू मुलाजमा बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद का ये पहला वाकया रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन बच्चों के तहफ्फुज के लिए कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अभी तक नोटिस ही नहीं लिया। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।